तो गाइस आप सभी का स्वागत है ब्लैक लू गेमिंग में। और अभी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ इस सीरीज़ को फिर से। तो भाई अपने ये बार कंट्रोल पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको ले लेता हूँ यहाँ से, अगर एक टू ओ भाई सही है। हाँ नॉर्मल वर्ल्ड में तो मिलता ही नहीं है ये, मतलब कि जो हमारा वेनिला होता है उसमें तो मिलता ही नहीं है। तो आज हम करने वाले क्या है, आज हम इसको एक्टिवेट करने वाले हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें थी वो देख लूँ मैं एक बार। एक मिनट, मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं। ओके ये मैंने ली नहीं है चीज़ें, तो ये ले लेते हैं इस बार दूसरी चीज़। ओके तीसरी बारी में तीसरी चीज़ ले लेंगे। तो ये भी मेरे को मिली थी विक्टर प्लेट, जो कि इसी में काम आती है। मतलब कि जैसे पानी से हम मोब्स को लाते हैं ना एक तरफ, तो ये भी वही प्लेट वही काम करती है, मोब्स को एक तरफ लाने में काम करती है। तो आगे काम करेंगे इस वाले पर, ब्लड एक्सट्रैक्टर बनाना हमें। और वैसे ही देखा जाए हमें यहाँ तक जाना होगा ऑब्सीडियन स्कल तक। तो वही क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए ग्लास चाहिए कोई सा भी, और एक डार्क जेम चाहिए। डार्क जेम और पहले मैं ग्लास ले लूँ दो चीज़। एक मिनट, तीसरी चीज़ भी तो ग्लास से बनती थी ये। अरे ग्लास से नहीं, आयरन इनगट और ये चाहिए, 16 मिलती है। ओ भाई इतनी ज़्यादा। तो क्या करते हैं, दो मेरे को चाहिए होगी ये, और ग्लास तो है ही मेरे पास। अरे ये रही, एक दो पूरी गिन के यूज़ करूँगा भाई, ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी चीज़ें। और मेरे को एक आयरन इनगट चाहिए था और एक ग्लास चाहिए था। ग्लास तो शायद से यहीं पर रखा होगा, ग्लास नहीं है क्या मेरे पास? ये तो दिक्कत हो गई। सबसे पहले मैं आयरन इनगट बना लूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, पर जितनी मिल जाए उतना ही फ़ायदा है। और मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को एक ये चाहिए था और एक मेरे को ये चाहिए था डार्क जैम, इससे मिलने वाली ये स्पाइक, और एक ग्लास, एक ही चाहिए। और मेरे को एक ग्लास रखना, ओ ये 53 ग्लास। अरे भाई मेरी इन्वेंट्री में लेके घूम रहा था भाई मैं, ओ भाई मैं अपनी खुद की इन्वेंट्री में लेके घूम रहा हूँ ग्लास, और मैं ग्लास ढूंढे जा रहा हूँ कि ग्लास कहाँ पर है भाई। ये तो अलग ही चीज़ है, मैं वही सोच रहा कि मेरे पास ग्लास थे यार, ग्लास एकदम से गए कहाँ पर। कोई नहीं, ये बना लेते ब्लड एक्सट्रैक्टर, ये हमारे पास रहेगा तो फ़ायदा रहेगा। ओके एक हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, ये पूरा हो गया टास्क। ये ले लो और ये भी ले लो, और इसमें से अब मैं लूँगा तीसरी चीज़। इसको ना रख देता हूँ मैं, यूज़ नहीं करना अभी, कुछ भी काम आएगा बाद में। तो भाई हमारे पास ये, मैं क्या क्या चीज़ें रख के घूम रहा हूँ भाई, मेरे पास ये आ गया ब्लड एक्सट्रैक्टर, क्योंकि अगर मैं इसको चालू करूँगा ना इससे तो मेरे को काम में आएगा। और मेरे पास स्पाइडर के और नहीं है क्या? चिकन है, मशरूम, ओके पैरेट है, पेक्स है, स्पाइडर, स्पाइडर नहीं है यार, मेरे को और स्पाइडर चाहिए थी। तो कोई नहीं इन्हीं से निकालेंगे। और एक काम करते हैं, तलवार भी बना लेता हूँ, मारनी भी तो है ना, मारने के लिए एक तलवार भी बनानी पड़ेगी। और मैं बनाऊंगा, अरे ये वाले यूज़ नहीं होते, ये वाले यूज़ होंगे। और मैं बनाऊंगा एक डायमंड की तलवार। ओ भाई ये हमारी पहली डायमंड की तलवार है जो कि यूज़ होने वाली है। तो इसको चालू करें कहाँ पर, यहाँ करते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पर कुछ है भी नहीं, यहाँ करते हैं। तो ये रखना है, इसके बाद जो हमारे पास बुक है वो रखनी है। एक मिनट, कहाँ गई ये बुक? और जो हमें ये दो दो तीन तीन चीज़ें मिल रही है ना, ये मिली है, ये मिली है, और एक और चीज़ थी, इनकी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं ले लेता हूँ वो वाली चीज़ भी। तो करना क्या है, ये वाली बुक इसमें ऐसे डालनी है। और अब ये देखो इसमें चलना शुरू हो गया, अगर मैं देखो क्राउच होऊंगा तो चलनी शुरू हो जाएगी और बताएगा कि कितने परसेंट है। लेकिन अगर मैं ये मार दूंगा, ये स्पीड का है और ये थोड़ी मतलब कि चीज़ें बढ़ा देता है, मतलब कि रेंज वगैरह ये चीज़ें बढ़ा देता है। अभी देखो स्पीड देखो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। अगर मैं क्राउच होकर ऐसे करूँगा ना तो मेरे को वापस मिल जाएगी चीज़ें, पर ये शुरू से हो जाता है। तो कोई नहीं इनको वापस लगा देते हैं। और मेरे को खाना भी खाना पड़ेगा यार, खाना नहीं रखता क्या? है तो सही, मेरे को खाना खाना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ पर आसपास टॉर्च हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, टॉर्च का बस ये ऐसे ही काम करता है। और अभी 12% हुई है तो 100% पे एक मॉब निकल के आएगा। अभी मैंने इसमें दो तीन चीज़ें मार रखी है ना, स्पीड, रेंज, और ये क्या है क्वान्टिटी, ओके ब्लड क्वान्टिटी, और ये क्या है एफिशिएंसी, ओके ये अलग अलग पावर्स है इसमें जो मैंने मारी है उनसे कुछ ना कुछ तो पावर बढ़ी है। एक और चीज़ मिलती है, गियर्स और होते हैं जो कि हमारे पास है नहीं। हमने तीन चीज़ें मारी, एक ब्लड क्रिस्टल जो कि क्वांटिटी देगा, और एक है मर्की ऑप्स जो कि रेंज बढ़ाएगा 16 ब्लॉक नहीं पता नहीं कितने ब्लॉक तक कर देगा, और एक गियर्स मारा था स्पीड के लिए। तो हम टोटल 16 मार सकते हैं, 16 16 16 करके, मतलब कि अगर मैं और भी मारूंगा तो और भी काम चल जाएगा। तो समझ रहे हो ये ऐसे काम करता है। वैसे क्राउच से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, मैंने देखा है अभी थोड़ा नोट किया है, क्राउच से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस देख सकते हैं क्राउच होके। मैं चाहूँ तो इसमें वापस से निकाल सकता हूँ अपनी बुक, क्योंकि अभी तक एक भी मकड़ी नहीं निकली है। चलो तैयार हो जाओ अभी, क्योंकि यहाँ पर निकलने वाली हो रही है। और
घूमनी तो शुरू हो गई है, 70% हुई है अभी। 100% पे एक मकड़ी आएगी जिसको हम मारेंगे और मेरे को इसमें अपने आप ही ब्लड मिल जाएगा, तो ये भी ब्लड भरना है मेरे को क्योंकि इसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। ओ भाई ये कुछ ज्यादा तेज नहीं घूम रही है। चलो भाई निकलो निकलो। ओके वो दो मकड़ी, ओके क्वांटिटी बढ़ी हुई है ना इसलिए, चलो मारेंगे इसको। मर जा, ब्लड बढ़ा, हाँ देख रहे हो ब्लड भी बढ़ा है हमारा। मर जा। ओके हमें इनसे आँख नहीं मिली, आँख लेनी है हमें इनसे कैसे भी करके, तो हमारा एक टास्क होएगा। ये देखो इसमें ब्लड आ गया 490, ठीक है यही करना है। अभी थोड़ा और आएगी इसमें चीज़ें, इसमें क्या क्या है। ओके अभी वही सारी चीज़ें रहेगी, चलता रहेगा ना तब तक। तो ब्लड हमारा ये हो गया, हमें ब्लड से ये बनाना पड़ेगा, ये बहुत काम की चीज़ है, बनाएंगे जब टाइम आएगा। अभी हमें आँख बनानी है, आँख तक पहुँचना, आँख मिल जाए तो ये टास्क हमारा हो जाएगा। और इससे मैं गियर्स वगैरह कुछ ना कुछ तो लूँगा, मैं क्वांटिटी वाला लूँगा यार। क्वांटिटी के लिए कौन सा था, ब्लड क्रिस्टल था क्वांटिटी के लिए। ओके ब्लड क्रिस्टल लूँगा मैं, क्वांटिटी बढ़ेगी उससे। मैं इतने देख लूँ और क्या क्या बनाना है मेरे को। हाँ मेरे को ये बनाना है सीड, जो कि मैरी जेन सीड है, बहुत बढ़िया सीड है, और मैं यहाँ तक भी जा सकता हूँ। ओके ये भी बना सकता हूँ, पर ये तो मेरे पास है, कॉपर तो है मेरे पास ही, क्या चीज़। ओ ये एम्बर एक्टिवेटर से होता क्या है, एक बार देख तो लूँ मैं। अरे यूजेस तो होंगे भाई, यूजेस कैसे देखे, कोई नहीं नहीं देख पा रहा था। ओ भाई यहाँ से फिर मकड़ी निकली। ओ अरे किससे मार रहा हूँ मैं, अरे ओ भाई आँख मिल गई हमें, बहुत बढ़िया। ऊपर तो नहीं आई ना कोई, नहीं आई, तो भाई आँख मिली और सब कुछ है इसमें, गियर्स वियर्स, और ये रही हमारे पास आँख, एक आँख आ गई। तो इन चीज़ों को संभाल के रखना क्योंकि ये रेयर है बहुत ज़्यादा इस गेम में। और ये भी ले लो, और इसमें से मैं लूँगा ब्लड क्रिस्टल क्योंकि इससे क्वांटिटी बढ़ती है। मैं सोच रहा एक ब्लड क्रिस्टल इस पर और मार दूँ अभी, वो रीसेट हो जाता है सब कुछ, ठीक है जैसे मारते तो रीसेट हो जाता है। अभी ब्लड क्रिस्टल बढ़ गया, क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, 1000 हो गया है, ठीक है मेरे को 5000 पूरा फुल चाहिए। फुल होएगा ना तो मेरा फ़ायदा होगा, मैं क्रिस्टल बना पाऊँगा, ये वाला क्रिस्टल। इसके लिए ये बनाना पड़ेगा डार्क पावर जैम, और ये ब्लड में घुसाना पड़ता है, जो कि 5000 MB के ब्लड में इसको डालना पड़ता है, ठीक है 5000 MB ये फुल हो जाएगा तभी आएगा। और ये क्या है, ओके ये हार्डेड ब्लड है जो कि ब्लड से ही मिलेगा, ठीक है। ओके हार्ड ब्लड बनाना आसान है, मेरे को ये डाइंग बेसिन में डालना पड़ेगा, ब्लड अपने आप ही मिल जाएगा। ओके इजी है, ये निकलने वाली हो रही है, इसमें 94% हो गई। ओके इस स्लो हो गई थी, मैं दूर चला गया था ना तो स्लो हो गई थी, इसके 16-15 ब्लॉक के आसपास है। ओके ओके एक आँख और मिली, बहुत बढ़िया। ऊपर तो नहीं आती ना, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, जो थोड़ा सा ब्लड मिला है ना मैं बेसन में डाल देता हूँ केरा, क्योंकि इससे मेरे को वो तो मिलेगा ना, एक ब्लॉक चाहिए मेरे ख्याल से, अभी बाकी का मेरे को ब्लड चाहिए। देखे इसमें कितने ये बनता है, ओके एक ही चाहिए फिर तो, एक से ही हो जाएगा, उसको मेरे को डालना पड़ेगा फर्नेस में, काम मेरा हो जाएगा। एक काम करते हैं मैं बीज देख लेता हूँ, ये बीज कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए 4 चाहिए, ब्लेज पाउडर चाहिए, ये 4 हमारे पास है, जो कि इनविजिबल सीड थे, उन इनविजिबल सीड से मैंने 6 इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है। और मेरे को एक चाहिए ब्लेज, 2 ब्लेज रोड चाहिए क्योंकि पाउडर निकालना है ना। ये देखो ये रहे वो इनविजिबल सीड, अगर मैं चश्मा उतार देता हूँ तो दिखेंगे नहीं, चश्मे पहनने पे ही दिखते हैं। ओके 2 ब्लेज रोड चाहिए इसमें, और एक वही चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए था ना, हाँ यही चाहिए सब कुछ। तो इनको बाहर निकाल लेता हूँ, पहले तो मेरे को इनको 4 पाउडर और ये और एक ये, ठीक है इनसे मिल जाएगा वो स्पेशल चीज़, मतलब कि स्पेशल वाला बीज। तो ये डाल लें इसमें, मैरी जेन के नाम से बीज है, और ये आ गया हमारे पास बीज। ओ अरे भाई अभी तो हुआ ही नहीं था यार, इसको फिर डालो इसी में। अरे ये तो गलत हो गई, मैं भाई खुश होए जा रहा कि हो गया काम, अरे तो अभी हुआ ही नहीं था यार। ओ समझ गया मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ, मैं 6 डाल रहा था, ठीक है 4 डाल ले मेरे को बस। तो सबसे पहले इसको डालते हैं, फिर इसको और फिर इसको, ये क्या हो रहा है यार, ये डाल दिए मैंने चारों में। ओके हमें 4, ओ यहाँ से जैसे जा रहा हूँ ना तो 6 हो जा रहे, मेरे को आराम से करना पड़ेगा, और ये ऐसे। ओके अब मिला है मेरे को ये बीज, मैं वही सोच रहा है यार कि ये तो ब्लेज पाउडर जैसा लग रहा था, ठीक है अब मेरे को बीज मिला है। और मेरे को अभी ब्लेज रोड और चाहिए क्योंकि ये उगती है पाउडर से ही, बिना पाउडर के उगने वाली है नहीं ये। मर जा। ओ भाई 2 ब्लेज रोड हो गई,
और आगे का काम करते हैं, ठीक है। ये करनी है ऐसे, और ये मिल जाएगी हमें चार, क्योंकि चार की ही ज़रूरत है। और हमारे ब्लड ब्लड भी निकल के आ गया, ये रहा एक डब्बा। तो इस ब्लड को डाल दूंगा मैं एक, अरे मेरे पास जगह नहीं है, मेरे को इसमें डालना है, और थोड़ा सा इसमें कोल भी डालना है भाई। कोल है तो सही यार, कितना सारा कोल रखा हुआ है हमारे पास। इसको डाल देते हैं इसमें, ओके नो आ गई। तो ये काम हो गया हमारा। अभी मेरे को क्या चाहिए इसके लिए, अरे ये किधर गया, ये बनाने के लिए मेरे को ये चाहिए होगा, जो कि मेरे को ये ब्लड में डुबाना पड़ेगा। ये बहुत हार्ड है सही में, 5000 का ब्लड इकट्ठा करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। और ये वाला ले ले, ओ इससे मिल तो गई यार मेरे को ब्लेज पाउडर, ब्लेज पाउडर नहीं, ये ब्लेज पाउडर ही तो है। तो करना क्या होता है भाई, एक मिनट, एक छोटा सा और काम करना है मेरे को इसके लिए। मेरे को एक बकेट बनानी पड़ेगी, और बकेट का भी बता देता हूँ यूज़। मेरे को एक लकड़ी की बकेट बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बीज है, इसको पहले लगा देते हैं। लगाने के बाद ये बड़ा होगा सिर्फ ब्लेज पाउडर से, ऐसे ब्लेज पाउडर से बड़ा करेंगे ये, ऐसे क्राउच होके बड़ा नहीं होने वाला। ब्लेज पाउडर मारनी पड़ेगी 42, 57, और ये 71, और ये 85, और ये 100। तो देख रहे हो ये जलना शुरू हो जाता है ऐसे। तो अब इसको तोड़ने के लिए करना क्या होता है, हमें खुद भी जलना पड़ेगा तब इसको तोड़ पाएंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो ये बकेट इसलिए है, इसको लो और उसके बाद तोड़ो और वापस से डाल दो। और पानी किधर है, अरे देख रहे हो मेरे को तीन ये मिल गए, और मेरे को ये मिल गई सिंडल लीफ। तो मेरे को सिंडल लीफ चाहिए थी, और इससे मैं बना सकता हूँ लावा ले ली, बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ। और अगर मैं एक सिंडल लीफ को मिलाता हूँ स्टिक में तो 16 टॉर्चेस निकाल सकता हूँ। ओ भाई ये बहुत ही अलग चीज़ है। तो ये है एक खास बीज, और फिर से उगाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 सारे लग गए भाई, नहीं उगा सकता। और मेरे को क्या करना था, मेरे को मकड़ियाँ मारनी थी यार, ब्लड इकट्ठा करना है अभी। ब्लड इकट्ठा होगा तो कुछ कर पाऊँगा आगे। ये देख रहे हो रुक जाता है, इसकी रेंज होती है। ओके चलना शुरू हो गया। अब बुक देख लेते हैं क्या क्या रह गया है, ये हमने कर दिया इतना, यहाँ तक जाना है मेरे को, ये भी बनाना है। इसके लिए मेरे को, हाँ देख रहे हो मेरे को ये चाहिए लावा ले ली, दो चाहिए कम से कम। और ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन तो नीचे से ही मिल जाएगा, ऑब्सीडियन इनगट। ओ ये तो ईजी है, आयरन इनगट चाहिए, ऑब्सीडियन पर लगा के ये बन जाएगा ऑब्सीडियन विथ आयरन। ये तो इजी है, बस ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए चार चाहिए होगी भाई। तो ये हमारे लिए इजी होता जा रहा है, देख रहे हो। ये एक मेरे को बस बोन ब्लॉक चाहिए, बोन ब्लॉक से ये मिल जाएगा स्कल। एक मिनट मेरे को बोन ब्लॉक देखने दो, ये बोन ब्लॉक बनते कैसे थे। ओके अगर मैं ग्लास, और ये मेरे को ये चाहिए शार्ट ऑफ द बोन माइट, बोन माइट चाहिए तो बोन ब्लॉक मिल जाएंगे। ग्लास लगाना है बस इस पे, रॉक कोर पे। अभी रुको एक मिनट, एक दो मकड़ी मारूं फिर मैं बनाऊंगा। एक ये आने दो मकड़ी फिर बना दो, दो मकड़िया बहुत बढ़िया, मर जा तू भी मर जा। ओके ये भरा, कितना भरा, 1400 हो गया। चलो भाई पहले वो बनाते हैं बोन। बोन बनाने के लिए मेरे को दो तीन चाहिए चीज़ें चाहिए होगी। मेरे रोक कोर किधर रखे है, मैं तो वापस बनाना पड़ेगा यार रोक कोर। नहीं है तो इससे ढूंढ लिया करो भाई, ये कौन से है, वार्म कोर है। ओके वार्म कोर नहीं चाहिए। ओके ये यहाँ पर है, और ऊपर कुछ यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सही में नहीं हमारे पास रॉक कोर। रॉक कोर बनाने के लिए हमें सिर्फ स्टोन चाहिए और ग्रेवल चाहिए। स्टोन तो मेरे पास अभी आ जाएगा, और ग्रेवल, ग्रेवल के लिए मेरे को इनको रोटरी ग्राइंडर में डालने पड़ेंगे, मिल जाएंगे। रोटरी ग्राइंडर हमारे पास है, ये नहीं है, ये रहा, ये डाल दो इसमें, अभी मिल जाएंगे ग्रेवल। ये भी काम हो गया। और चाहिए हमें इनगट, जो कि ये वाली चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ इन चीज़ों को, मैंने दो बना लिए, वैसे ज़्यादा की ज़रूरत होगी रॉक कोर की, कोई दिक्कत नहीं है बाद में देखेंगे। और मेरे को चाहिए बोन माइट, ठीक है चार ही है, कोई दिक्कत नहीं है, चार का ही यूज़ कर लेंगे, बाकी और बना लूँगा बाद में जब ज़रूरत होगी। रॉक कोर चाहिए, बोन माइट चाहिए, और एक मेरे को ग्लास चाहिए होगा, ये रहा ग्लास। चलते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भाई, मेरे को ये जाना पड़ेगा इसके पास, ये इसको यहाँ रखना है, ग्लास को यहाँ रखना है, और वो किधर गया, ये निकाल लेना है, ये मारना है इस पर। अरे यार ये दिक्कत करता है अभी, ये बोन ब्लॉक एक बार बन जाए, चार बनाने होंगे मेरे को यार, रख जा भाई। अब ये दिक्कत करेगा सबसे बड़ी, ये सही में बहुत दिक्कत करने वाला है अभी, मुझे तो नहीं लगता कि ये बनाने देगा। ओके हो गया, ये ले लो ब्लॉक, अरे टूट जा भाई, ब्लॉक आ गया। और थोड़े से और बना लूँ मैं, क्योंकि रोक कोर की ज़रूरत पड़ेगी आज। हो गए हमारे पास टोटल तीन हो गए,
चार बनाने हैं ना, तो तीन तो आ गए हमारे पास, तो ये डालो अभी बनने देते इसको। एक मिनट ये जगह खाली करो, ये टूटेगा ना। इसको भी मेरे को नीचे वाला है ना स्टेबलाइज़र, इसको अपडेट करना पड़ेगा, पर अपडेट करने के लिए सामान नहीं है अभी हमारे पास। हो जा यार, ये बहुत नखरे करता है भाई। ओके बना, मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ और ये भी ऐसे कर सकता हूँ। अरे ओके दोनों बन गए, ठीक है। चार बोन ब्लॉक आ गए हमारे पास, एक स्कल बनाने के लिए, और एक स्कल बना ही लेता हूँ मैं अभी। चार बोन ब्लॉक से ऐसे रखना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गए स्कल्स। स्कल से हमसे कुछ निकाल सकते हैं नहीं, इसके कुछ यूजेस। ओह बैटल एक्स हेलमेट, ओ भाई क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं इससे तो। ओ भाई ये क्या क्या मस्त मस्त है। बैटल स्कल मेरे को लेकिन ये बनाना है, ऑब्सीडियन स्कल। उसके लिए लीली चाहिए, और मेरे को थोड़ी सी फिशिंग करनी पड़ेगी अभी। मैं वहीं करूँगा फिशिंग जहाँ पे मकड़ियाँ है, क्योंकि मकड़ियाँ भी तो मिलेगी ना वहाँ से, और ब्लड भी मिल जाएगा। चलो अभी ये चालू हो गया। ओके ओके, तो अभी मेरे पास इतनी सारा तो ब्लड हो गया है, बस थोड़ा सा ब्लड और चाहिए। और 15 मेरे पास ब्लेज रोड हो गई है, इनको बनाते हैं। अरे सारे को बनाते हैं, इसको अलग रखते हैं। मेरी बकेट, अभी मेरे को उसमें से निकालने हैं लिली पैड्स। लिली पैड्स नहीं, ये जो निकाल लेते, तो इसको बड़ा करना है। करो भाई, सारे एक साथ निकाल लूँगा मैं, क्योंकि फिर जलना भी तो पड़ता है ना। ओके ये लो और तोड़ो, इसको वापस भर के आग में। तो ये करना है मुझे, और देखेंगे अगर ये सारों के साथ कर पाए तो। कितने मिले? तीन मिले हैं यार, एक से एक मिलता है, ये तो दिक्कत है। चलो फिर से करते हैं बड़ा इनको, मेरे इसी में ख़त्म हो जाते हैं भाई। ओके इतने हो गए, पर मेरे पास यार दिक्कत ये हो गई कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर पाया। पाँच छः दो और इकट्ठे करने मेरे को कैसे भी करके, मेरा काम हो जाएगा। ये देख रहे हो कितने हो गए, पाँच छः, दो और इकट्ठे करने हैं, तो दो और के लिए फिशिंग करनी पड़ेगी मेरे को थोड़ी सी। मेरे सारे ख़त्म हो गए ब्लेज इतनी जल्दी। जैसे मेरा ब्लड भर गया पूरा, 5000 हो गया। ओके भर गया, अभी मेरे को मकड़ियों की ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ चलते हैं, फिर दूसरी तरफ से फिशिंग कर सकता हूँ मैं। और मेरे पास ये थोड़ी सी ये भी और आ गई, चार हो गई टोटल। चलो यार थोड़े चार से ही कर लेते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि चार से कुछ होगा। 42% 57% ही बड़ा होता है यार। ओके तो मेरे को 11 और मिली, करते इसको भी। ओके तो 11 से 22, और चलते इसको भी चालू करते। मेरे को कम से कम दो में से चाहिए, और इसको काम हो जाएगा ना। अरे नहीं होएगा यार, जब तक इसको भरेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा यार, पानी की तरह। ओ भाई इनको यहीं पे लगा देते हैं। तो भाई इतनी तो आ गई है मेरे पास, पूरे 8 हो गई है। इसकी कुछ रेसिपी नहीं होती इसकी। ओके मेरे को ये बनाना पड़ेगा पहले लिली पैड। लिली पैड बनाने के लिए मेरे को कोई भी सैपलिंग चाहिए, और ये चाहिए मेरे को इमिटेशन पेस्ट, कोई सा भी ये पेस्ट है। ये पेस्ट ब्लॉक पहले मेरे को बनाना पड़ेगा, ये शायद से मैंने कभी बनाया है। मेरे को प्योर ग्रीवर चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी बनाया तो है, पर मेरे को हाँ मेरे पास है पहले से। ये देखो एक ब्लॉक भी रखा हुआ है मेरे पास है, तो दो ये चाहिए मेरे को। अरे दो नहीं चार चाहिए, तो शायद से ये ऐसे रखने थे और ये ऐसे। ओके दो लिली पैड मिलते हैं, तो मैं दो ऐसे बनाऊंगा। ऐसे मेरे को ज़रूरत है बाद में, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दो स्कल बनाने पड़ेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। दो लिली पैड हो गई, और लिली पैड को ऐसे रखना दो को, और इनके चारों तरफ ये, इससे मिल जाएगी मेरे को ये लावा लिली। ठीक है दो लावा लिली हो गई। अब मेरे को स्कल बनाने के लिए ये तीनों चीज़ें आ गई मेरे पास। ऑब्सीडियन अभी ले लेता हूँ, और ये ओके ये बनाने ऑब्सीडियन चाहिए सिर्फ मेरे को अभी। ऑब्सीडियन तो यहाँ से मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑब्सीडियन है। ये रहे ऑब्सीडियन, कितने लो जितने मन चाहे, पर ये थोड़ा सा टाइम ले लेंगे भाई। ओके चार ऑब्सीडियन आ गए। सबसे पहले तो मेरे को थोड़ी सी ये चाहिए होगी, क्योंकि ये ऐसे रखना पड़ेगा शायद, और ये एक ऐसे दो रख देता हूँ। ठीक है ये ऐसे ऐसे ये मिल जाएगी, ये ऑब्सीडियन विथ आयरन, और इसको मेरे को डालना पड़ेगा फर्नेंस के अंदर। फर्नेंस में जगह है तो सही, लेकिन कोल ख़त्म हो जाते हैं हमेशा, यही दिक्कत होती है मेरे साथ। इसको डालते इसमें, अच्छा एक मिलेगी इससे, ये तो गलत चीज़ है, इसका मतलब हमें ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी फिर। वो मैंने कोई सा अचीवमेंट पूरा किया है? एक मिनट नहीं यार इसमें से नहीं किया। मेरे को कितनी चाहिए? टोटल चार चाहिए, दो तो बना लिए, दो और चाहिए।
तो सारा सामान आ गया मेरे पास ऑब्सिडियन स्कल का। इसकी रेसिपी सिंपल है, रेसिपी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दो यहाँ पर रखने हैं, ये यहाँ पर रखना है, और दोनों तरफ लिली पैड और चारों तरफ ये ईट ऑब्सिडियन वाली, और ये आ गया ऑब्सिडियन स्कल्स। ओ भाई अभी मैं लावा से बचूंगा कि मरूंगा, देखूँ चेक करके। चलो चेक कर लेते हैं। ओके, नहीं मरा, नहीं मरने वाला, हाँ बच गया मैं। तो अभी जब तक ये मेरे हाथ में रहेगा, मेरी इन्वेंट्री में रहेगा, यहाँ रख के देखता हूँ इन्वेंट्री में। ओके कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेंट्री में कहीं भी हो। ओ भाई निकालते मेरे को झटका लगा, और इसकी कोई हेल्थ नहीं होती तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये मेरे को बचाएगा फायर से, और ये हमारा टास्क भी हो गया है। किधर गया ये वाला, इससे ले लेते हैं तीसरी चीज़। तो अब आते हैं इस वाली चीज़ पे जो कि हमारी लास्ट है, क्योंकि हमने ये तो बना लिए थे शार्ड, अभी ये बनाना है। इसके लिए मेरे को एक ये पावर जेम चाहिए, जिसको मेरे को 5000 MB के उसमें एक डार्क जेम फेंकना होगा। कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है, और ब्लड तो मेरे पास है ही भर भर के। तो मेरे ख्याल से मुझे 5 ब्लॉक की एक हाइट का ये बनाना पड़ेगा शायद से। काम कर गया तो, अरे यार काम कर गया तो अच्छी बात है, नहीं करा तो देखेंगे। तो पहले बना ही लेता हूँ मैं। तो ब्लड ध्यान रखना, सूख भी जाता है ये। अरे ओके, 2 3 और ये 4, ये देख रहे हो जम गया, ये जमता है ब्लड, इसको तोड़ना पड़ता है फिर। तो ये करना है, 5 हो गया। अब मैं इस पर डालूँगा जेम, देखता हूँ कुछ होगा। अरे सूख पहले गया यार ये, फेंकने से पहले ही। ओके हो गया, तो ये सारा का सारा सोख लेता है ब्लड, और एक ही बार में एक ही बन पाता है। आप चाहो तो इसको ऐसे सीधा ना करके ऐसे 5 में रख सकते हो, मतलब कि आपको बस ऐसे रखना पड़ता है ब्लड इकट्ठा, तभी ये काम कर पाएगा, क्योंकि इसको सोखना होता है 5 ब्लॉक का ब्लड। मैंने सीधा ले गया, आप नीचे भी लिटा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, जैसा मन करे, बस आपको ये ब्लॉक चाहिए कैसे भी करके। तो ये रखना है, और ये और ये ओके, ये भी आ गया हमारे पास। ओ भाई काम हमारा अच्छा होता जा रहा है। इससे क्या मिले, इससे ले लेते हैं ब्लड। तो ये है हमारी मेन चीज़ जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये क्या क्या नई नई चीज़ है जो बनानी है हमें, ये हम इससे भी बना सकते हैं। ओके मेरे को रून स्टोन चाहिए, ये दिक्कत होगी। रून स्टोन मिलेगा ये कहाँ मिलेगा। एसेंट ग्रेवल चाहिए मेरे को, एसेंट ग्रेवल में लिक्विड सोल्स में फेंकना पड़ेगा, और ये मिल जाएगा मेरे को रून स्टोन, और ये बनेगा लिक्विड सोइल ऐसे। ओके ये तो अगले पार्ट में देखेंगे। तो भाई आज के पार्ट में हमने आज का काम कर लिया, बहुत मस्त। हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, ये भी आ गई, स्कल भी आ गया है। अभी मैं लावा से बच पाऊँगा, लेकिन मेरे को वो मशीन बनानी है। ओ मतलब मशीन नहीं, वो क्या बोलते हैं, ब्लड बनाता है, वो चीज़ें बहुत अजीब कर देता है। मैंने कुछ चीज़ें देखी थी, मछली देखी थी मैंने, देखा था उसमें कि मछली वापस से आ रही थी जिंदा हो गई, तो कुछ नई चीज़ थी, वो देखना है मेरे को। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।